मौली को मिल गया है कुणाल जिंदा हॉस्पिटल में, जिसके चलते मौली की लाइफ में आया है बहुत ही बड़ा ड्रामा। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सिलसिला बदलते रिश्तों का में आप देखने वाले हैं कि कैसे मौली की लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्न आने वाला है जब उसे कुणाल जिंदा हॉस्पिटल में मिल जाता है। हालांकि यहां पर उसका पास्ट उसे फिर से डरा रहा है, क्योंकि इस वक्त उसकी वेडिंग सेरेमनी होने वाली है ईशान के साथ। हालांकि यहाँ पर मौली बहुत अच्छे से जानती है कि भले ही उसके और कुणाल के रास्ते 7 साल पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन आज भी वो अपने दिलो दिमाग से कुणाल को नहीं भुला पाई है। हालांकि यहाँ पर कुणाल और मौली की शादी लीगली खत्म भी नहीं हुई है। ऐसा पहले ही दिखाया जा चुका है कि मौली के लिए कुणाल ने कितना बड़ा चेंज लाया था, जिसके चलते ही मौली और ईशान एक दूसरे के क्लोज आ पाए थे और फिर उन्होंने शादी का डिसीजन लिया था। हालांकि अब ईशान के साथ मौली का रिश्ता काफी ज्यादा खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जल्द ही आप देखेंगे कि इस तरह से ईशान की मॉम भी इस शादी के खिलाफ होती नजर आएंगी। ईशान की मॉम ने यह शर्त रखी है कि अगर मौली अपने पास्ट को अपने साथ लेकर आएगी तो वो इस शादी को नहीं होने देंगी। जहां पर अब कुणाल जिंदा है, इसी चक्कर में मौली इस दुविधा में फंस गई है कि आखिर वो किसे चुने, क्योंकि वो कुणाल से अलग नहीं हो सकती और इस हालत में ईशान को भी नहीं अपना सकती। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर क्या मौली के पास्ट की सिचुएशन के चलते उसकी ये शादी टूट जाएगी और क्या फाइनली कुणाल और ईशान के बीच में से मौली कुणाल को चुनेगी। शो में आगे क्या होता है देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर इस फेस का मिष्टी और परी पर क्या असर होता है और किस तरह से मौली अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है और किसे चुनती है। वेल, आपको क्या लगता है मौली किसे चुनेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।